वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप एक नए ड्राइवर हैं या आपको प्लेन रास्तों में चलाने की तो आदत है लेकिन पहाड़ों में चलाने की इतनी हैबिट नहीं है, या आपके घर में कोई लेडीज है या बुजुर्ग है और वो पहाड़ों में ड्राइव करना चाहते हैं या पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं लेकिन सिर्फ अपनी गाड़ी से इसलिए नहीं जाते कि आपको एक डर लगा रहता है कि जब आपकी गाड़ी पहाड़ों में जाएगी और किसी अप हिल पर होगी वहां पर स्टॉप करनी पड़ गई या कहीं आपको ऐसी जगह पर स्टॉप करनी पड़ गई कि गाड़ी रोल बैक होती है, तो फिर आपको उस चीज़ का डर लगा रहता है और इस वजह से आप अपनी गाड़ी में नहीं जाते या दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो उसके लिए मारुति ने अपनी एक छोटी गाड़ी में इग्निस में हिल होल्ड का फीचर इंट्रोड्यूस किया है। हिल होल्ड को हिल असिस्ट भी कहेंगे और हिल स्टॉप भी कहते हैं, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम देती है इसको, तो हम इसको हिल होल्ड कहेंगे या हिल असिस्ट भी कह सकते हैं। देखिए, पहाड़ों में ड्राइव करना सबको अच्छा लगता है और आजकल क्या है कि लोग पहाड़ों में अपनी गाड़ी से जाते हैं। आपने रश भी बहुत देखा होगा कि पहाड़ों में कितना रश होता है। पहले क्या था, पहले लोग बसों में ज़्यादा ड्राइव करते थे, पहाड़ों की तरफ जाते थे और या फिर वहीं की जो टैक्सीज होती थी वहाँ पर उन्हीं टैक्सी से वो ट्रैवल करते थे। लेकिन अब लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके जाना चाहते हैं, तो हिल होल्ड वहाँ पर उनके लिए एक बहुत अच्छा फंक्शन हो जाता है। अब हिल होल्ड कैसे काम करता है, देखिए, जब आपकी गाड़ी ऐसे अप हिल पर खड़ी होगी तब आप जैसे ही उस पर, मान लीजिए यहाँ पर स्टॉप है गाड़ी, जैसे ही आप उसको मूव करना, आगे आपको जाना है, मूव फॉरवर्ड करना है, तो जैसे ही आप ब्रेक पर से पैर हटाओगे तो वो गाड़ी रोल बैक होती है, पीछे की तरफ जाएगी और इससे क्या होगा, पीछे एक्सीडेंट होने का डर लगा रहेगा और पीछे ये भी थोड़ा एम्बेरेसिंग फील होता है कि भाई गाड़ी इनको चलानी नहीं आती और पहाड़ों में आ जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो अब क्या हो, जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाते हो फिर गाड़ी पीछे जाती है, मतलब कि इतने आप क्लच को रिलीज करते हो और एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को। देखिए, जब भी पहाड़ों में स्लोप पर खड़ी होती है, अपहिल पर खड़ी होती है, आपको थोड़ा तो एक्सेलरेट करना पड़ता है। सिर्फ ओनली क्लच रिलीज करने से गाड़ी आगे मूव नहीं होती क्योंकि ऊंचाई होती है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक का भी यूज करते हैं, जैसे उन्होंने पहाड़ पर ऊंचाई पर खड़ी हो गई गाड़ी, हैंड ब्रेक लगा दिया, अब उनको आगे मूव करना है तो क्लच को धीरे धीरे, क्लच को रिलीज करेंगे धीरे धीरे, हैंड ब्रेक को नीचे डाउन करते जाएंगे, तो फिर भी उससे भी गाड़ी अप जाती है। लेकिन कई लोगों को इतनी ये भी प्रैक्टिस नहीं होती है और नॉर्मल जो तरीका होता है कि भाई क्लच को रिलीज करा धीरे धीरे और ब्रेक पर से पैर हटाया और एक्सीलरेट करा, तो इसकी भी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसके लिए मारुति ने क्या किया, इग्निस में हिल होल्ड का फीचर इंट्रोड्यूस किया है। हिल होल्ड कैसे काम करता है, देखिए, आपने हिल होल्ड का फीचर ऑन कर दिया, अब जैसे ही आप क्लच रिलीज करोगे, आपने ब्रेक पर से पैर हटाया, तो अगर फीचर ऑन है तो वो आपकी गाड़ी को कुछ सेकंड के लिए रोल बैक होने से रोक देगी, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेक लगा देगी। वहां पर आपको ब्रेक पर प्रेस करने की एकदम से जरूरत नहीं है और इतने में आपको टाइम मिल जाता है कि आप उस गाड़ी को एक्सेलरेट करके ऊपर मूव कर सको। तो ये काम करता है हिल होल्ड या हिल असिस्ट, और इसके लिए आपको इग्निस के लिए आप 27,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, 27,000 रुपये या इससे ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। देखिए, पहले जो हिल होल्ड वाला फीचर था वो एक बड़ी गाड़ियों में आता था, बड़ी गाड़ियों में आएगा या फिर जो उनके टॉप मॉडल्स हैं उसमें आता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो कंपनीज भी अलग अलग फीचर इंट्रोड्यूस करने लग गई है और लोगों को, जैसे अब एडास कितना, मतलब कि अब दूसरी सफारी, हैरियर वगैरह इनमें भी आने लग गया है। तो धीरे धीरे जैसे लोग डिमांड करेंगे वैसे वैसे कंपनी फीचर्स भी नए नए गाड़ियों में देती जाएगी, और ये भी है कि भी उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अब आपको हिल पर जाने में डर नहीं लगेगा, आप छोटी गाड़ी में भी, इग्निस में भी हिल होल्ड का फीचर ले सकते हैं। देखिए, इग्निस एक ऐसी गाड़ी है मारुति की जो अंडररेटेड रही है, ये कम बिकी है एज कम्पेयर टू वैगनार के और जो दूसरी गाड़ियाँ होती है, लेकिन गाड़ी बहुत शानदार है। जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये गाड़ी, मुझे जो स्टार्टिंग में 2018-17 का मॉडल है बलेनो का, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी मुझे इग्निस लगी थी। तो अगर आप वैगनार लेना चाहते हैं या आप सलैरियो पे जाना चाहते हैं तो एक बार इग्निस को जरूर ट्राई करके देखें। ट्राई करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, आपकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेकर देखें और हिल होल्ड का फीचर तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। इसके साथ आपको ESP भी इग्निस में मिल रहा है, ESP अब बेस मॉडल से आ जाएगा, जैसे हिल होल्ड का फीचर है वो बेस मॉडल से ही आ जाएगा। जब मारुति ने नेक्सा को लॉन्च किया था तो इसके बेस मॉडल से ही कई फीचर देने शुरू कर दिए थे, जैसे ABS, EBD वगैरह देना शुरू कर दिया था।
तो अब जो ये फीचर आया है हिल वोल्ट का और ESP का, ये भी इग्निस के बेस मॉडल से ही इंट्रोड्यूस है। ESP क्या काम करेगा, जैसे कोई भी वेट एरिया होगा या फिर भी कोई स्लिपरी एरिया होगा या कहीं पे कीचड़ वगैरह होगा, तो वहां पे जो ट्रैक्शन कंट्रोल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, स्टेयरिंग पे से लॉस जो स्टेयरिंग पर है कंट्रोल कम हो जाता है, तो उस चीज को ESP क्या करेगा, उसको उसको बढ़ा देगा, ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ज्यादा रहेगा और जो लॉस ऑफ ट्रैक्शन है उसको कम कर देगा। तो ESP भी आपके लिए एक अच्छा फीचर है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।